मैं मधु ठाकुर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल माई स्टडी डायरीज पे। तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो हमने किया था मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पिछले वीडियो में हमने क्या करवाया था आपको मैंने कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, और इस रेजोल्यूशन में बेसिक प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल्स को बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जनवरी 22, 1947 को अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो जून 3, 1947 को आता है माउंटबेटन प्लान, और इस प्लान में पार्टीशन ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और मुस्लिम लीग और INC दोनों इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन INC तो चाहती नहीं थी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, तो INC को ये प्लान एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि INC अगर इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करती तो कंट्री को इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाती। इसलिए मुस्लिम लीग और INC में क्या होता, कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ते चले जाते। तो इसलिए INC ने इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, और फिर मुस्लिम लीग ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को ज्वाइन कर लिया। तो फिर आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और इस एक्ट में कुछ चेंजेस किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, और इसमें जो 3 मेजर चेंजेस थे वो अब मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट जो मेन चेंज किया गया कि जो असेंबली थी उसको फुली सोवरन बॉडी बना दिया गया। असेंबली वॉज मेड अ फुली सोवरन बॉडी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक फुली इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई, वो चाहे तो अपनी मर्जी से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, एंड ऑल्टर एनी लॉ मेड बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रूल बनाए गए थे 1947 से पहले, उन सारे रूल्स को वो चेंज कर सकती है। तो 2 सेपरेट फंक्शंस वर असाइन टू दिस असेंबली, दैट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इनएक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री, यानी कि 2 सेपरेट फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा। और वो फंक्शंस वो कैसे परफॉर्म करेगी, एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी और एज अ कॉन्स्टिट्यूट बॉडी, यानी कि एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी वो क्या करेगी, ऑर्डिनरी लॉज बनाएगी कंट्री के लिए, ठीक है, और एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी वो क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मिलते थे, देन इट इज चेयर्ड बाय GV मामलांकर, और जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मिलते थे, देन इट इज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और थर्ड पॉइंट में जो मेन मेजर चेंज किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, वो क्या किया गया कि मुस्लिम लीग जो थी वो विथड्रू कर लेती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया से। अब मुस्लिम लीग विथड्रू क्यों कर लेती है, क्योंकि अब पार्टीशन हो चुका है कंट्री का और एक डिफरेंट कंट्री बनने जा रही है, तो मुस्लिम लीग जो थी वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का पार्ट बनेगी, इसलिए मुस्लिम लीग विथड्रू कर लेती है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया से। और फिर जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी इंडिया की, उसमें जो सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की वो चेंज कर दी जाती है। तो हमने कैबिनेट मिशन प्लान में पिछली वीडियो में देखा था कि 389 टोटल सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो अब 389 से टोटल सीट्स रह जाती हैं 299, ठीक है। और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस में हमने देखी थी सीट्स वो कितनी थी पिछले वीडियो में, 296, लेकिन अब कंट्री का पार्टीशन हो गया है इस वजह से सीट्स हो जाती हैं 292। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मिली थी 93 सीट्स, अब वो कितनी हो जाती हैं, 70 सीट्स। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको एज इट इज याद रखने हैं। तो नेशनल फ्लैग को
अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, और डेट है जुलाई 22, 1947 को, ठीक है। और हमारे नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950, और नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया 24 जनवरी 1950, ठीक है। तो आपको ये डेट्स याद रखनी है। और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो टोटल सेशन हुए तो वो कितने हुए, 11 सेशंस। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को टोटल टाइम लगा 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए टोटल 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को क्या बनाया गया, एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट बनाया गया। अब यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनके जब कंप्लीट हुआ तब डेट थी 26 तो बन गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि आईएनसी का एक सेशन हुआ था 1929 में, जो कि हुआ था लाहौर में। और इस सेशन में आईएनसी ने फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी, यानी कि उस दिन डेट थी 26 जनवरी। तो हिस्ट्री में इस डेट को याद करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो डिफरेंट कमिटीज को अपॉइंट करती है, और ये कमिटीज डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, और इन कमिटीज को डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में, मेजर और माइनर कमिटीज, ठीक है। तो जो मेजर कमिटीज हैं वो हैं 8 कमिटीज, जिनमें से एक कमिटी है ड्राफ्टिंग कमिटी, और जिस कमिटी के मेन चेयरमैन हैं बीआर अंबेडकर जी, और इस कमिटी में टोटल 7 मेंबर्स हैं। तो मैं जो इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ हैं वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूँगी। और आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।